वंदे मातरम स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके, वेरी गुड। तो स्टूडेंट, टुडे इज अवर सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स। आज हम मैथ्स में चैप्टर 3 पढ़ेंगे, ओके? तो हमारा चैप्टर 3 है मोर अबाउट सब्ट्रैक्शन, मतलब कि आज हमें सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन के बारे में हम आज ज़्यादा जानेंगे, ओके? तो यहाँ पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में सिंपल सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब कि हमें 2 नंबर वाले सब्ट्रैक्शन करने हैं, सिंपल। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विथ बोरोइंग, मतलब कि हम यहाँ पे जो हमने एडिशन में कैरी वाले सम किए थे, ठीक वैसे ही हमें यहाँ पे बोरोइंग वाले करने हैं। सब्ट्रैक्शन स्टोरीज के बाद हम सब्ट्रैक्शन स्टोरीज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं, ओके? सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर विदाउट बोरोइंग, मतलब कि हम सबसे पहले 2 डिजिट नंबर के विदाउट बोरोइंग सम करेंगे। तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम 25, मतलब कि हमें यहाँ पे एक सम करना है, तो उसके कुछ स्टेप्स है वो हम देख लेते हैं, ओके? स्टेप 1 इज राइट द नंबर्स इन कॉलम फॉर्म, मतलब कि हमें ऐसे कॉलम बनानी है और इसमें नंबर लिखने हैं, सबसे पहले वंस और फिर बाद में टेंस, ओके? तो ये हमारी कॉलम रेडी। इसके बाद स्टेप 2, तो स्टेप 2 में क्या है स्टूडेंट? तो देखो, स्टेप 2 में है सबट्रैक वंस, मतलब कि हमें सबसे पहले ये वंस को सबट्रैक करना है, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे वंस में ये 5 है, तो 5 में से हमें 2 निकालने हैं, तो 5 में से 2 निकालेंगे तो आंसर इज 3। इसके बाद है टेंस, तो स्टेप 3 सबट्रैक टेंस, तो यहाँ पर टेंस में है 2 माइनस 1, ये माइनस की निशानी है, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो आंसर इज 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13, ओके? अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पर है नाउ सबट्रैक्ट दीज नंबर्स बाय पुटिंग देम इन कॉलम फॉर्म, मतलब कि यहाँ पे हमें कॉलम में ये नंबर लिखने हैं, ओके? तो देखो, यहाँ पर ए है 51 फ्रॉम 62, मतलब कि 62 में से हमें 51 माइनस करने हैं, तो यहाँ पर वंस और टेंस, तो सबसे पहले यहाँ पर 62 माइनस 51, ओके? तो देखो, अभी क्या करना है हमें, 2 में से 1 को माइनस करना है, तो देखो यहाँ पर मैंने ये 2 लाइन बनाई, ओके? अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, तो 2 में से 1 लाइन को हम इरेज कर देंगे, ओके? देखो, तो कितनी लाइन बची, 1, तो आंसर इज 1, ओके? इसके बाद यहाँ पर है 6, तो हम कितनी लाइन करेंगे, 6, देखो ये 1, फिर 2 3 4 5 6, हमने 6 लाइन बना दी, और नीचे कितने हैं, 5, मतलब कि 6 में से हमें 5 इरेज करने हैं, तो देखिए ये मैं 5 लाइन इरेज कर देती हूँ, ओके? तो यहाँ पर कितनी लाइन है, सिर्फ 1, तो यहाँ पर भी 1, तो आंसर इज 11, मतलब कि 62 में से हमने 51 निकाला, तो 11 आंसर, ओके? अभी सेकेंड, 35 फॉर्म 56, तो देखो ये वंस और ये टेंस, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 56 लिखेंगे, इनमें से हमें 35 माइनस करने हैं, ओके? तो देखो यहाँ पर हम 6 लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और 6 में से हमें कितनी माइनस करनी है स्टूडेंट, 5, तो अभी हमें ये 5 लाइन इरेज कर देंगे, ओके? तो यहाँ पर कितनी बची, 1, तो आंसर इज 1, फिर यहाँ पे ये कितने हैं, 5, तो हम कितनी लाइन बनाएंगे, 5, 1 2 3 4 5, और नीचे कितने हैं, 3, तो हमें कितनी लाइन माइनस करनी है, तो देखो ये 1 2 और 3 लाइन हमने माइनस कर दी, ओके? तो कितनी लाइन यहाँ पे है, 2, तो आंसर इज 2, मतलब कि 35 फॉर्म 56, आंसर इज 21।
अभी स्टूडेंट नीचे मैंने ऑलरेडी ये कॉलम फिल कर दिए, हमें सीधे इसके आंसर करने हैं। ओके, तो 2 में से हम 1 माइनस करेंगे तो आंसर इज 1, और 8 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर इज 2। ओके, इसके बाद यहाँ पर है 58 फ्रॉम 59, मतलब कि हमें 59 में से 58 को माइनस करना है। अभी वंस, तो 9 में से 8 को हम माइनस करेंगे तो आंसर इज 1, और यहाँ पे 5 में से 5 हम माइनस करेंगे तो आंसर इज 0, क्योंकि 5 में से हम 5 को निकालेंगे तो कुछ भी बचेगा नहीं। ई 31 फ्रॉम 72, मतलब कि 72 में से 31 को माइनस करना है। तो अभी हम वंस लाइन करेंगे, वंस वाली 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर इज 1, और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर इज 4, 41। इसके बाद 43 फ्रॉम 95, तो देखो यहाँ पे वंस है, फिर 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर इज 2, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5। ओके, 68 फ्रॉम 89, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2। ओके स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट यहाँ पर एच 11 फ्रॉम 62, अभी हमें 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, 6 माइनस 1 5। अभी देखो नीचे 30 फ्रॉम 75, अभी 5 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर इज 5, क्योंकि 0 माइनस नहीं होता। ओके, इसके बाद 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4। फिर नेक्स्ट 15 फ्रॉम 25, अभी यहाँ पे हम 5 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर इज 0। ओके, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर इज 1। इसके बाद यहाँ पे देखो स्टूडेंट 42 फ्रॉम 82, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे वंस में है 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट 24 फ्रॉम 36, मतलब कि देखो यहाँ पे वंस में है 6 में से हमें 4 निकालने हैं तो आंसर इज 2, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर इज 1। इसके बाद देखो स्टूडेंट यहाँ पे एक नोटिस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, मतलब कि सबसे स्मॉल 3 डिजिट नंबर कौन से है, तो सबसे स्मॉल 3 डिजिट नंबर है 999, और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है 99। ओके, अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे पेज नंबर 55, फाइंड द डिफरेंसेस, मतलब कि हमें यहाँ पे डिफरेंसेस को फाइंड करना है। मतलब कि देखो यहाँ पे कॉलम फॉर्म है, मतलब कि ये वंस और टेंस, अभी क्या करना है 3 में से हमें 2 माइनस करना है, और यहाँ 10 में टेंस में 8 में से 1 माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे कितने हैं, सबसे पहले हम वंस करेंगे, यहाँ पर है ये 3, तो देखो यहाँ पर हम 1 2 3, और 3 में से हमें कितने माइनस करने हैं 2, तो हम यहाँ पर ये 2 लाइन इरेज करेंगे, तो कितने हुई लाइन 1, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर इज 1, और 8 में से हमें कितने माइनस करने हैं 1, तो सबसे पहले हमें 8 लाइन बनानी है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से हमें 1 माइनस करना है, मतलब कि हमें 1 लाइन हटा देनी है, मतलब देखो मैंने एक लाइन इरेज कर दी, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आंसर इज 7, 8 में से हमने 1 माइनस किया तो आंसर 7। इसके बाद नंबर 2,
सब यहाँ पे वंस है और टेंस, तो हमें सबसे पहले वंस करना है, ये तो आपको पता ही है ना स्टूडेंट। ओके वेरी गुड। तो फोर में से टू माइनस करना है, तो हम फोर में से टू माइनस करेंगे तो आंसर इज टू। फिर नाइन में से सेवन माइनस करेंगे तो इसका आंसर भी टू ही है। ओके अभी नंबर थ्री, यहाँ पर है एट में से फाइव माइनस करना है, तो एट में से फाइव माइनस करेंगे तो थ्री। फिर नाइन में से फोर माइनस करेंगे तो फाइव। इसके बाद नंबर फोर, देखो यहाँ पे सिक्स में से अगर हम सिक्स माइनस करेंगे तो आंसर इज जीरो। कैसे देखो, तो यहाँ पे ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अभी हम क्या करेंगे सिक्स में से सिक्स माइनस करना है, तो देखो हम लाइन इरेज करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो देखो तो यहाँ पे तो एक भी लाइन नहीं बची है ना, तो आंसर इज जीरो। फिर सेवन में से टू माइनस करेंगे तो आंसर इज फाइव। ओके नंबर फाइव, फोर में से अगर हम जीरो माइनस करेंगे तो आंसर इज फोर। ओके क्योंकि देखो वन टू थ्री फोर, फोर लाइन कर दी हमने, यहाँ पे फोर है इसलिए, और निकालने कितने हैं जीरो, मतलब कि एक भी लाइन नहीं निकालनी है, तो आंसर इज फोर, क्योंकि यहाँ पे फोर की फोर लाइन वैसे की वैसी है। ओके इसके बाद सिक्स में से थ्री माइनस करेंगे तो आंसर इज थ्री। फिर नंबर सिक्स, वन में से जीरो माइनस करेंगे तो वन, और फाइव में से थ्री माइनस करेंगे तो आंसर इज टू। ओके इसके बाद देखो स्टूडेंट, यहाँ पे नंबर सेवन, टू में से हम टू माइनस करेंगे तो आंसर जीरो, फोर में से टू माइनस करेंगे तो टू। फिर नंबर एट, एट में से सिक्स माइनस करेंगे तो टू, फाइव में से थ्री माइनस करेंगे तो टू। फिर नंबर नाइन, नाइन में से अगर हम थ्री निकालेंगे तो सिक्स, सेवन में से फोर निकालेंगे तो थ्री। ओके इसके बाद नंबर टेन, देखो स्टूडेंट यहाँ पे हमें नाइन में से टू को माइनस करना है, मतलब कि दो दो हमें निकालना है, नाइन में से दो निकालना है, तो आंसर इज सेवन। फिर सिक्स में से फाइव को निकालेंगे तो वन। नंबर इलेवन, टू में से वन माइनस करेंगे तो आंसर वन, एट में से सिक्स माइनस करेंगे तो टू। अभी नंबर ट्वेल्व, फाइव में से टू माइनस करेंगे तो कितने आएंगे थ्री, और फाइव में से थ्री माइनस करेंगे तो टू। ओके अभी देखो ये, अभी यहाँ पे सॉल्व मेंटली, मतलब देखो अभी यहाँ पे फर्स्ट में फिफ्टी माइनस ट्वेंटी तो आंसर इज थर्टी, मतलब कि हमें आंसर ये बॉक्स में लिखने हैं। ओके नंबर टू, सेवेंटी माइनस थर्टी मतलब आंसर इज फोर्टी, फिफ्टी माइनस ट्वेंटी आंसर इज थर्टी। नंबर फोर, हंड्रेड माइनस एटी आंसर इज ट्वेंटी। नंबर फाइव, नाइन्टी फाइव माइनस सिक्सटी फाइव तो आंसर इज थर्टी। ओके नंबर सिक्स, नाइन्टी माइनस ट्वेंटी तो आंसर इज सेवेंटी। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे टू डिजिट नंबर वाले सब्ट्रैक्शन किए। ओके तो आप सब लोग घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ओके वंदे मातरम।